नमस्कार दोस्तों, सोइंग मशीन गुरु के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ब्रदर एलेक्स 27NT, उसका डेमो और अनबॉक्सिंग दोनों अब हम आपको बताएंगे। ये मशीन में 27 स्टिचेस आती है, बिल्टी नीडल थ्रेडर आता है, वन स्टेप बटन होल आता है। ये ब्रदर जापान की मशीन है, ये मेड इन वियतनाम मशीन है, कंपनी ब्रदर जापान है। तो अभी हम आपको खोल के बताएंगे इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरी एक्स्ट्रा आती है। ये जो मशीन होम सोइंग मशीन है और इसके अंदर बहुत ही बढ़िया आप फॉल, पीको, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी सब कर पाएंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब काम करके बताने वाले, तो आप हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा। ये हमारी एसेसरी है, ये एसेसरी आता है, वो हम आपको बाद में क्या क्या उपयोग होता है वो सब बताने वाले हैं। हमारा वीडियो आप देखते रहिएगा। ये मशीन का कवर है, नाइलॉन कवर है, जो आप मशीन में काम करने के बाद ढक के उसको साइड पर रख सकते हैं। ये कैटलॉग है, ये बुक्स आई हुई है आपकी, पार्ट्स बुक्स और मैनुअल बुक्स है, वो आप को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख सकते हैं। ये फूड कंट्रोलर है, इससे आपका मशीन चलेगा। ये बहुत ही बढ़िया लुक वाली ग्राफिक्स डिज़ाइन वाली आपको ये मशीन है, इसका लुक ऊपर से बहुत ही बढ़िया दिखता है। ये तीन आपको बटन दिए गए हैं, ये टेंशन का बटन है, ये वेट का बटन है और ये लेंथ का बटन है। ये आपका सिलेक्टर है, आप उससे डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम आपको ये मशीन पूरा चला के बताने वाले हैं, तो हमारा वीडियो आप एंड तक देखते रहिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, ये आएगा आपको बीडिंग करने के लिए, दुपट्टा राउंड करने के लिए किनारे। हाँ, जिपर फूड आएगा चेन लगाने के लिए और दोरी पाइपिंग करने के लिए। ये आएगा आपको सिलाई करने के लिए फूड, जे फूड सिलाई है और डिजाइन कर सकते हैं आप, नॉर्मल डिजाइन नॉर्मल सिलाई। ये आएगा आपका फूड बटन होल करने के लिए, ये बटन लगाने के लिए आएगा। और आपको रिंग से डिजाइन गिरानी, एम्ब्रॉयडरी करता आना आता होगा, तो इसके लिए ये प्लेट है, आप ये लगा के एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। एक पेचिया देते हैं नीडल खोलने के लिए। सुई के पैकेट दो आते हैं, एक डबल नीडल आती है और एक सिंगल नीडल। ये आएगा आपका सिलेक्टर, डिजाइन सिलेक्ट कैसे करना है। तीन डायल ऊपर दिए हुए, इसका ये आएगा आपको लेंथ, ताकत छोटा बड़ा करने के लिए। ये आएगा व्हील, डिजाइन आपकी छोटी बड़ी करने के लिए। वो आएगा ये टेंशन, कि आपका नीचे सिलाई खराब आती होगी, कपड़ा खींचा रहा होगा, तो उसके लिए ये है एडजस्टेबल। ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए आगे पीछे, ऐसा ये आगे पीछे करने से एक्चुअली वो सिलाई कठिन बनाने के लिए। हाँ, पक्का हो जाएगा। ऑन ऑफ की स्विच दी है, वो अच्छे तरीके से यूज नहीं करेंगे तो खराब होने का चांस है, ऐसा कुछ नहीं है ना। कुछ नहीं है बड़ा पिन दिया है, काम होने के बाद इसको नीचे कर, इसको ऊपर करो। ये बॉबिन कैसे, बॉबिन के लिए पहले यहाँ पे आपको बॉबिन पुश करना है। रिवाज में देखो, नीचे से ऊपर लेना है आपको, वन यहाँ से यू टर्न, टू यहाँ पे थ्री, पहले वहाँ से नीचे फिर ऊपर गोल घुमा के और थ्री ठीक है। इसको पुश करो और दबाओ,
इसको और पुश करो ये बाहर की, यहाँ पे कटर दिया हुआ है, ठेट कटेंगे फिर आपको नीडल में थ्रेडिंग करने के लिए, या ऐसे सिर्फ यू टर्न आपको निकाल लेना है, या ऐसे सिर्फ यू टर्न निकाल लेना है आपको। यू टर्न निकालने के बाद एक नंबर यहाँ पे, ये एक नंबर लेने का, दूसर वो गोल नहीं घुमा के डायरेक्ट लेने का है, डायरेक्ट लेने का। ओके एक ये यहाँ पे दो नीचे के साइड, तीन ऊपर के साइड लेना है यू टर्न, और यहाँ पे अंदर ऐसे यू टर्न नीचे आएगा, इसके अंदर आएगा तेरा, वहाँ पे गोल घुमा के इसके अंदर बस ऐसा कुछ है वहाँ पे अटकाने का। हाँ है। ओके हाँ यू थ्रेड ऐसा पकड़ना है आपको, इधर डालना है निकल गया, यहाँ पे अटकाना है सिक्स, फिर बॉबिंग का ट्रेड आपको, बॉबिंग के साइड पे बॉबिंग का ट्रेड इस साइड से आना चाहिए आपको, इस साइड से नहीं आना चाहिए बराबर, बॉबिन ऐसे इस साइड से ट्रेड आना चाहिए, इस साइड से ट्रेड आएगा तभी आपको सिलाई कंप्लीट आएगी, आपकी बॉबिन डालने में भी गलती होगी आपकी सिलाई खराब आएगी। बॉबिन रखने के लिए ये पहले ये कवर है इसको पीछे के साइड खींचो, निकल जाएगा बॉबिन रख दो, यहाँ पे ध्यान देना अभी ये ट्रेड है, ये ट्रेड को आपको पीछे के साइड जाना है, इसके अंदर जाएगा ट्रेड। अच्छा गए अच्छा, वो कट गया वहाँ से, आपके डेमो के वीडियो के लिंक मुझे भी शेयर करना फिर बाद में। ये देखो फूट कैसे लगाने, बीच में डंडे दिया हुआ है एक, और ये दाब उठाने का या फिर यू आकर का खर्चा है, वो मैच करना है आपको, मैच करके आपको दाब नीचे रख देने का। ओके और अगर बाई चांस थोड़ा आगे पीछे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो ये लॉक लॉक हो गया और निकालने के पीछे ब्लैक कलर का स्विच है, आप आगे पीछे करेंगे तो फूट बैठेगा नहीं आपको। ओके एकदम एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे लाके इसको बिठा देना, बैठा नहीं है तभी आपका फूट ऊपर आएगा, ठीक है ठीक है, नहीं तो आपका फूट नीचे रहेगा, अटैच नहीं होगा, अटैच नहीं होता है, ठीक है। आपकी सिलाई है ये सादा सिलाई आएगी। ओके दबा के रखेंगे उतना पीछे जाएगा, छोड़ेंगे तो आगे आ जाएगा। बद्दुत था स्टिच कॉल होता है, बटन भी लगता है खुद से, इसीलिए नंबर भी जीत जाएंगे। अभी ये जिगजैग छोटा हो रहा है बराबर, तो इसको बड़ा करने का है तो आपको यहाँ से बीच वाला डायल आपको देखिए बराबर, ये छोटा ये यहाँ पे बड़ा था इसीलिए ना, ये बड़ा था टाका इसके लिए, कोई भी डिजाइन गिराएंगे तो आपको इसको है ना एक नंबर की डायल है ना एफ के ऊपर कर देने का, एफ पे हाँ एफ पे होगा तो डिजाइन और वीट है ना आपको बड़ा कर देने का, पाँच मैक्सिमम रखने का, पाँच वीट तो आपको बड़ा ही करना, छोटा नहीं रखने का। आपको डिजाइन अभी आठ नंबर की गिरानी है तो यहाँ से आठ नंबर सिलेक्ट करो, ये आठ नंबर जी है,
फिर आप बोलेंगे 8 नंबर आया उसके नीचे तो 21 नंबर है, तो 21 नंबर का क्यों नहीं आएगा? ये यहाँ पे 21 नंबर डबल एस में, डबल एस यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना पड़ता है डबल एस, एक नंबर की डायल आपको डबल एस पे लाएंगे तो तब आपके ये नीचे की डिजाइन चालू होगी। ये आप ऐप पे नहीं रखेंगे, पहली डायल आपको ऐप पे नहीं रखेंगे तो आपको देखो ये हो जाएगा, ये हो गया, दो पे रखा जिस जगह आया मैं आपको बताया, ये अपन लोग ने ऐप पे रखा तो ये आया, और आपने लेंथ बड़ा किया तो देखो तो ये आया। और अगर ये कर्व इतना ही आएगा कि कर्व को और बड़ा करना है ऐसे, तो बड़ा करना है तो नॉर्मल ऐप ऐप के थोड़ा एक और ऐप के बीच में भी ले सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा होएगा। हाँ, मतलब मुझे जैसे ये इतना है, अगर मुझे इतना सा गिराना हो तो एक ही फुट में आपका डिजाइन डिजाइन सब होएगी। और ये इसके इसके बीच में विड्थ कम करनी हो तो ये इनके बीच में गैप कितना ही गैप रहता है? गैप आपको कम करना है यहाँ से ना, ऐप करेंगे ऐप का ऐप के नीचे जाएंगे अब कम हो जाएगा, सिलाई पास में आ जाएगी। हाँ तो डबल एस में, डबल एस में कुछ नहीं करना आपको, डबल एस सिलेक्ट कर देने का। ओके, और ये 5 पे रखने का विड्थ, जो डिजाइन सिलेक्ट करनी है वो डिजाइन सिलेक्ट कर दो आप, 22 नंबर। कपड़े का आपको ऐसा भी ऐसा कर दिया, आगे से इसको फोल्ड कर देने का बस, ऊपर के साइड आपको उसको पकड़ के रखना, अब आपको थोड़ा बड़ा करेंगे फिनिशिंग में जी, ये तो ऐसा आएगा। फिनिशिंग में नहीं देखो, ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया तो दे देखो, आपको एक जैसी सिलाई मानी है
किनारी तो किनारी आपको किस साइड एक जैसी सिलाई मारने के लिए पूरा था गाइड फूड है कि आपको गाइड करेगा कि कपड़ा इस साइड पे नहीं आने लगेगा एक जैसी सिलाई लगेगी ओवर लुक होएगा आपको ओवर लुक करना है तो ओवर लुक भी होएगा इसको लगा दो आप एक हज़ार रख दो आप ये आपको गाइड करेगा कि आपका कपड़ा इस साइड में नहीं आएगा एक जैसी सिलाई लगेगी आपको ऐसा दिया हुआ था साइड में ना साइड पे किनारे हाँ। पे मारना हो तो ये कहाँ पे सिलाई लेनी है और बॉर्डर मारने के ऊपर नीचे बटन ले क्या क्या है जिप का है नहीं बटन है बटन बटन है आपका बटन छोटा बड़ा आएगा आपको यहाँ पे पीछे रखना है इसको लॉक कर देने का ये कम ज़्यादा होता है इसको लॉक कर देंगे ये बटन के हिसाब से आपका गार्ड बनेगा इसको रखो बटन पीछे रखो और बाकी आगे रखो ये लिखा हुआ ये फाइबर का है फाइबर का याद आ ये आपका ये कपड़ा रख दो आप यहाँ से एक नंबर पे आपका बटन हो गया बटन एक नंबर सिलेक्ट करो यहाँ पे एक डंडी दिया हुआ है इसको नीचे के साइड खींचना है उसके ऊपर लिखा है पूस तो इसको दबा देना है ये भी अब गाज मार रहा हूँ एक गलती अपनी हुई इसके अंदर ये गलती देखो यहाँ पे ऐप नहीं किया है अच्छा ऐप करना ऐप कर देने का ऐप फाइव का मैं एक डायरी में नोट डाउन करने पड़े का लगते हैं मुझे अभी इतना सारा हो गया ना कि किस किस के वक्त क्या क्या है वो ध्यान रखना पड़ेगा ये सब तो फंक्शन समझ में आ गया इसका थोड़ा कितने नंबर पर रखने का जब खत्म होता है ना तब यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे ना ये एक जगह ज्यादा हो जाएगा वो कैसे ज्यादा हुआ कि कपड़ा एक ही जगह खड़ा उसको वापस उल्टा पुश करने का ना काम होने के बाद इसको ऊपर कर दूंगा ओके पुश करेगा और बटन नहीं है अच्छा तो बटन के साइज का ही होगा इसीलिए ये दो पॉइंट दिए हुए ना ये प्लेट में दो पॉइंट दिए हुए दो तो इसके अंदर लॉक करने है प्लेट को पहले सबसे पहले आपका लॉक एक बार थ्रेड ऊपर कर लो आप नीचे का थ्रेड बटन का है नीला भाग सामने रखना है आपको तीन नंबर सिलेक्ट किया पहले तो होल मैच कर लेंगे आप
वन टू। अगर होल मैच नहीं होगा तो क्या करने का है? होल मैच नहीं होएगा तो आपको बटन थोड़ा एडजस्टेबल करना पड़ेगा इधर उधर। हर बटन छोटा बड़ा हो सबका होल का बीच का जैसे ही होता है करना पड़ेगा। अटैच या से सिलेक्ट होएगा आपका ये जिग-जैग छोटी बड़ी देखो मेरा लॉकडाउन ये देखो ये अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको थोड़ा कम करो वन ये आपका बटन लग गया। अब कितना भी ये भी खींचो बटन नहीं निकलेगा ये फूट है ये स्क्रू खोल दो आप ये नीडल बाहर तो करने लगेंगे ना तो फिर ये कितने नंबर की नीडल थी ये पीछे के साइड रखना है ओके और राउंड भाग आगे की तरफ ये भी नहीं समझ में आया तो ये देखो ये नीडल में यहाँ पे खाचा दिया हुआ है वो खाचा आगे रखना होगा ना पीछे के साइड रखना और प्लेन भाग है ना ये आगे के साइड ओके ओके अभी डबल नीडल आएगी डबल माथा एक रहेगा नीडल दो रहेगी आपके आगे एक ऊपर एक नीचे है हाँ ऐसे ही रहती है ऐसे ठीक है। इसके अंदर आप डिजाइन कम से कम ज़्यादा कोई डिजाइन गिरा नहीं सकते तो नॉर्मल जिग-जैग सादी सिलाई है आठ नंबर की डिजाइन है वो चला सकते हो आप ज़्यादा बड़ी का आप ये वीट बड़ी करेंगे आप तो आप नीडल टूट जाएगा वीट है ना आपको 2-3 के बीच में रखना पड़ेगा 1-2-3 के बीच में 2-3 के बीच में रखना पड़ेगा तभी आपकी ये डबल नीडल चलेगी वो सर ने ऑनलाइन में शायद ये वाला नंबर ये वाला जलाई थी ना सिलाई मैंने देखा था उनका ये चलता है तो यहाँ पे बॉबिन भर के वहाँ पे वहाँ पे लगी ये आपका डबल थ्रेड है थ्रेडिंग तो सेम ही करनी है आपको कोई चेंजेस नहीं है बॉबिन दोनों में सेम जाएगी बॉबिन एक ही चलेगी नीचे वैसे यहाँ पे आपको एक थ्रेड अंदर से लेना है यहाँ पे और एक थ्रेड बाहर से रखना है तो और मैनुअल से ही डालना है बाहर से डालना है अच्छा ऑटोमेटिक में दोनों इसमें मैनुअली डालना है और जो छोटी वाली जिसका हेड नहीं है उसमें घुमा के नहीं डालना डायरेक्ट डालना है ना जयपुर ये आपको जिग-जैग करनी है नॉर्मल जिग-जैग
हमारा LX27 का आपने पूरा वीडियो देख लिया है, हमने पूरा आपको डेमो भी बताया हुआ है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हम आपके लिए आगे नए वीडियो ला सके। और आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चन है या आपको कोई नया वीडियो के लिए इंफॉर्मेशन देनी है तो अब आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।